बागेश्वर बाबा के चमत्कारी दरबार को लेकर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। रायपुर में परीक्षा देने के बाद भी बागेश्वर बाबा को लेकर बवाल जारी है। एक रिपोर्ट दर्शकों को दिखाते हैं और समझाते हैं कि बागेश्वर बाबा को लेकर कैसे हो गई है तेरा बाबा मेरा बाबा। क्या धीरेन्द्र शास्त्री सच में चमत्कार करते हैं? क्या बागेश्वर सरकार मन की बात पढ़ लेते हैं? सनातन बनाम अंधविश्वास की जंग, बागेश्वर बाबा को कांग्रेस का चैलेंज, बागेश्वर सरकार पर सियासी पारा हाई, बागेश्वर सरकार अंतर्यामी या झूठे स्वामी, हम आपको लेकर चलते हैं बागेश्वर सरकार के धाम। आगे बढ़ते हैं, माताजी को आने दीजिए, इनको आने दीजिए, आने दीजिए। तीसरा बोलो सीताराम, दोनों हाथ उठा पहले, बागेश्वर धाम की। एक बार हमारी रावण से बात हुई, हमने कहा क्यों दशानंद जी माय डियर कैसे हो? उन्होंने कहा हेलो बागेश्वर वाले बोल रहे। हमका जी, हमका कहो भैया कैसे हो? हमने बुंदेली में बात करी, रावण ने भी हमसे बुंदेली में बात की, हम तो ठीक है भैया, हद तो जा हो गई कि साउंड में फटर फटर हो गो। हमने कहा भाई साहब दसई मौसे बोल रहे का? बोला हाँ। हमने कहा नौ लॉक करो, एक से बोलो। हम जब तक जिएंगे तब तक सनातन के लिए कार्य करेंगे, तब तक हम घर वापसी करवाएंगे, कितनी भी मिशनरियां हमारे पीछे लग जाएं, हम डिगने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम हिंदू शेर हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा को लेकर देश में सनातन बनाम अंधविश्वास की नई जंग शुरू हो गई है। धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर लाखों हिंदुओं की आस्था है, लेकिन उस आस्था को अंधविश्वास का चोला पहनाने की कोशिश लगातार जारी है। अपने विरोधियों को बाबा करारा जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने सनातन का झंडा गाड़ दिया है और विरोधियों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ दिया। हमारे गुरु कृपा है, बालाजी की कृपा है, हमें आभास होता है बालाजी की सेवा का। और आपने कहा क्या कृपा है बालाजी की, यही कृपा है कि आज लाखों लोगों के सामने बालाजी ने झंडा गाड़ दिया। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने कहा मैंने उनका पूरा इंटरव्यू देखा, उन पर आरोप लगाना गलत है। जावरा दरगाह के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता, क्या किसी ने जावरा पर सवाल किया है? तो बाबा के समर्थन में महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा भी उतर आई हैं। अपना अपना अलग तरीका है विश्वास करने का, हमारा विश्वास करने का तरीका अलग है, जिसकी आस्था अलग तरीके से जुड़ी है शायद वो उस पर विश्वास करते हैं, और अपने अपने तरीके से सभी का विश्वास है। बागेश्वर धाम के समर्थन में योग गुरु बाबा रामदेव भी उतर गए हैं। उन्होंने कहा कि बागेश्वर धाम को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। आजकल आपके एक चेले पर बहुत पाखंडी लोग टूट के पड़े हुए थे, बोले ये भगवान की कृपा क्या, ये बालाजी की कृपा क्या है? मैंने कहा बालाजी की कृपा क्या है, यदि ये बिना आंखों के देखनी हो तो पूज्य राम भद्राचार्य जी में देख लो। उधर बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के दावे और चमत्कार पर चुनौती बढ़ती जा रही है। एक हफ्ते के अंदर बाबा को दूसरी बार चुनौती मिली है। इस बार चुनौती देने वाले कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा है। उन्होंने कहा कि बाबा धर्मांतरण की बात साबित करें, मेरे साथ बस्तर चले, अगर धर्मांतरण हो रहा है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और अगर नहीं हो रहा तो वो पंडिताई छोड़े। अरिनी को ऐसी पंडित लोगों को नागपुर में इसको सुनुति दिया गया है, अभी कोर्ट में जाने वाला है, उस समय पता चलेगा ये पंडिताई क्या है, सही पता चलेगा।
ये पहली बार है जब भक्तों के जमघट के बीच विवादों का साया भी बागेश्वर धाम के बाबा की चौखट तक पहुंचा। बागेश्वर वाले बाबा सनातन से साजिश का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन देखना है कि जो सवाल उन पर खड़े हुए हैं वो उससे पीछा कैसे और कब छुड़ा पाएंगे।